तो गाँव वालो इस वीडियो में हम करेंगे आई आर एम एस का डेरिवेशन देखो आई आर एम एस और आई इफेक्टिव मैंने आपको चैप्टर के दूसरे वीडियो में ही बताया था कि जो आई आर एम एस होता है वो आई इफेक्टिव के बराबर होता है और उसका फॉर्मूला पिक करेंट के टॉम में आई नोट बाई रूट टू निकलता है इसी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम तो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बता दिया था कि आई इफेक्टिव का डेफिनेशन बता दिया था आई आर एम एस का नहीं बताया था इसलिए जानबूझ के इस वीडियो में हम आई आर एम एस का डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होता है और फिर इसका डेरिवेशन कर लेंगे जिस प्रकार से आई आर एम एस का डेरिवेशन है एग्जैक्ट सेम प्रकार से आई इफेक्टिव का है बस नाम बदल जाता है जिसका मैं आई इफेक्टिव का डेरिवेशन मैं आपको अलग से वीडियो बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका टाइम बहुत कीमती है मैं जानता हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समझा देता हूँ इसका डेरिवेशन मैं आपको नीचे लिंक पे लिख के खुद के हाथ से लिख के दे दूंगा जैसे आप उसको एक बार रीड करोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ठीक तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है डायरेक्टली डायरेक्टली मेन कॉन्सेप्ट आते हैं तो आई आर एम एस की बात करते हैं तो ए सी की बात किसकी बात कर रहे हैं ए सी करंट की मान लो ये करंट वर्सेस टाइम अब भैया ए सी जो है वो तो वेरिएबल ठहरा कैसा ठहरा वेरिएबल वो तो बदलता रहेगा अब बदलता रहेगा तो देखो आर एम एस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर इसको ना लिख देता हूँ मैं कहीं पे यहाँ पे आर एम एस का मतलब क्या होता है रूट एम मतलब होता है मीन और एस मतलब होता है स्क्वायर और इसका काम कैसे करते हैं उल्टा कि पहले सब चीज़ का स्क्वायर कर दो फिर उन सबका मीन मतलब एवरेज ले लो और फिर उसके ऊपर रूट लगा दो उल्टा काम करते हैं ये शायद आपने एलेवंथ में सीखा भी होगा ये अब किसका किसका स्क्वायर करे किसका मीन ले तो देखो हम बताते हैं। हम बताते हैं कि करंट जो है एसी, वो तो variable थारा। variable थारा मतलब क्या कि यहां पे कितना होगा आई टू आई थ्री आई फोर आई फोर आई सिक्स ऐसे चलता रहेगा और फिर चेंज होता रहेगा चेंज होता रहेगा चेंज होता रहेगा फिर नीचे में भी चेंज होता रहेगा चेंज होता रहेगा यहां भाई साहब कितनी बार करंट चेंज हो चुका हम कहते हैं हमें नहीं पता हम कहेंगे आई एन एन टाइम्स चेंज हो गया आई वन से लेके वन से लेके कहां तक चला गया वो आई वन आई टू आई थ्री ऐसे चलता चलता आई एन तक चला गया एन टाइम चेंज हो गया बोले इतने सारे करंट है तो अब आई निकालो तो जो I RMS का formula, concept के हिसाब से बनना चाहिए था, वो ये है आई वन का किसके आई टू का स्क्वायर डॉट 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 सबका मीन ले लो मीन मतलब ले लो एवरेज कैसे लेते थे बचपन में सबको जोड़ देते थे और डिवाइड में जितने हो उतने हो मतलब नंबर लिख देते दे थे जैसे पांच तो पांच से डिवाइड तो यहां पे एन है तो एन से डिवाइड अब उसके बाद तीसरा काम करो रूट लगा दो उसके ऊपर ये लो लगा दिया भैया रूट तो ये बन गया आई आर एम एस का फॉर्मूला लेकिन ये फॉर्मूला कहीं किसी काम का नहीं है सिर्फ ये डेफिनेशन के लिए कि पहले जितने भी वेरिएबल करेंट हैं आपके आप उनका स्क्वायर फिर मीन एंड देन रूट लगा लो तो आपका रूम आर एम एस निकल जाता है और आर एम एस का जो ये मेन फॉमूला जो यूज होगा रूट मेन स्क्वायर करंट का जो मेन फॉमूला यूज होता है वो होता है पिक करंट के दाम यार एक बात बताओ हमारे घर में जो ए सी आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है पचास हर्ट प, मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं पचास हट्ज की फ्रिक्वेंसी है इसका मतलब है कि वो एक सेकेंड में एक सेकेंड के अंदर ऐसे पचास साइकिल लगा लेता है मतलब एक ऊपर एक नीचे एक साइकिल माना जाता है ऐसे पचास एक दो तीन चार पाँच एक सेकेंड के अंदर पचास साइकिल बना लेता है उसके अंदर एक साइकिल कैसे पता करोगे तो तो काम ही नहीं कर सकते है तो कैसे पता करेंगे तो ये फॉर्मला तो वैसे यूज ही नहीं हो सकता एप्लीकेबल ही नहीं कहीं पर मेन फॉर्मला यूज क्या होता है आई नॉट हम मैक्सिमम करेंट पता कर सकते हैं एसी का मैक्सिमम कितना हिट करता है हर बार तो आई नोट अपॉन में रूट टू यानी कि मैक्सिमम करंट को रूट टू से डिवाइड कर दो तो आरएमएस या फिर आई इफेक्टिव की वैल्यू निकल जाए तो इसी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं अब देखो तो डेरिवेशन यही करूंगा मुझे एक बार मिटाना भी पड़ जाएगा तो देख लेना है ना अब आई इफेक्टिव डेरिवेशन करने करने का नाम कैसे स्टार्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि काम मान लो कि आपके पास ए सी करंट ये वाला ए सी ले लो ये जो ए सी करंट है ए सी करंट कितना मानते हो चैप्टर नंबर सिक्स में बताए थे चैप्टर सेवन के स्टार्टिंग से वीडियो बता रहे हैं कि ए सी करंट को लेट कर लो लेट ए सी करंट इज आईजल टू आई नोट साइन ओमेगा कही मान सकते हैं यार कहीं पे भी जहाँ ए हो ना आई नोट साइन ओमेगाटी मान लिया करो लेट कर लिया करो कोई दिक्कत नहीं है हर बार यही लेट करते हैं हम आई नोट साइन ओमेगा टी तो मान लो एसी करंट कितना है साइन ओमेगा साइनोमेगा इस करेंट को आपने किसी भी रजिस्टर मतलब रजिस्टर के थ्रू गुजारा कितने वक्त के लिए छोटे से टाइम डी टी तो जब भी किसी रजिस्टर में जिसका रजिस्टेंस कितना है आर तो किसी भी रजिस्टर में अगर आप कोई करंट दोगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा हीट गर्म हो जाता है ना वायर में करंट फ्लो करा के देखो हीट गर्म हो जाता है वो तो जो छोटे टाइम में जो छोटा सा हीट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्म लिखो पहले अब मैं यहाँ से डेरिवेशन करने जा रहा हूँ डेरिवेशन डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है ठीक लेट से ये सब कॉन्सेप्ट एक साइड था ये मतलब समझाना था मुझे और ये यहां से हम डेरिवेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डेरिवेशन में लेट करते हैं आई नोट ले लिया हमने फिर उसको हम बोलेंगे कि इंग्लिश लिख लेना यार अभी जैसे लिखने जाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा कि इफ वी पास दिस करेंट थ्रू अ रजिस्टर ऑफ हैविंग रजिस्टेंस आर रे फॉर स्मॉल टाइम डी दे टी देन द स्मॉल हीट डी एच छोटा सा जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा तो हीट का अपन ने बचपन में पढ़ा था मैं यहाँ लिख देता हूँ हीट का फॉर्मला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था ये वाला फॉर्मला तो इसी में हम पुट करेंगे तो एच की जगह में छोटा सा हीट डी एच आई की जगह में आई का आई का स्क्वायर इंटो में रजिस्टेंस कितना था आर इंटो में टाइम कितना था हमारा छोटा सा टाइम डी टी कि नहीं अब यहाँ पे आई को खोल दो आई को खोलोगे कैसे आई नोट साइन ओमेगा टी लिख दो उसकी जगह में तो डी एच छोटा सा जो हीट होगा वो आई नोट का स्क्वायर है सॉरी आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा तो आई नोट का स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर होगा दोनों का स्क्वायर होता है ओमेगा टी और यहाँ पे आर यहाँ पे डी आ जाएगा तो ये हो गया छोटा सा हीट जो छोटे टाइम में प्रोड्यूस होगा अब मैं कहता हूँ कि पूरा एक साइकिल में हीट कितना प्रोड्यूस होगा एक साइकिल की वजह से हीट बताओ तो हम क्या बोल देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एन टी देखो तो मल्टीप्लाई में आ रहा है ना तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना खुद ही डी एच का इंटीग्रेशन जीरो से लेके एच तक ठीक है और यहाँ पे आई नोट का स्क्वायर और देखो आर कॉन्सटेंट तो बाहर आ जाएगा आई नोट का स्क्वायर बाहर जाएगा आर कॉन्सटेंट बाहर जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना ये ओमेगा है मिक्स हो गया इसी में साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है डी टी के साथ जीरो से लेके टी तक हमको बोला है फुल साइकिल में समझे कि नहीं समझे तो डी एच का इंटीग्रेशन सबको पता है एच बन जाता है लास्ट वीडियो में बताया था मैंने है ना ये एच क्या है हीट प्रोड्यूस इन वन कंप्लीट साइकिल ड्यू टू वन कंप्लीट साइकिल जो कि कितना आएगा आई नोट का स्क्वायर आर और ये पूरा लिख दे रहा हूँ ऐसे ही अभी करेंगे नहीं इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे भैया अरे आप बड़े बड़े डेरिवेशन देख देख के समझ जाते हो यार आप तो क्या यारने वाली बात है अगर आपने हाफ साइकिल फुल साइकिल समझ लिया ना तो सारे डेरिवेशन डायरिवेशन चैप्टर के समझ में आएंगे इसको कह देना आप इक्वेशन नंबर वन जो हमने निकाला अब इसके बाद आपको आई आर एम एस मान के निकालना पड़ेगा इसके बाद मैं यहां से बोर्ड अब बोलेंगे नाउ देखो भैया अब हम फिर से एक लेट करने है लेट हमारे पास जो ए सी करेंट था उस ए सी का

तो जो पूरे एक साइकिल में हीट प्रोड्यूस होगा हीट हीट का फॉर्मुला क्या था आई स्क्वायर आर टी तो जो फिर से वही चीज है कि सेम करंट को रजिस्टर के थ्रू पास किया गया वगैरह वगैरह तो हीट का जो फॉर्मूला होगा वो आई आर एम एस का स्क्वायर इस बार करंट कितना माना एवरेज करंट माना है ना आपने मतलब एक साइकिल का करंट माना है ना आई आर एम एस तो आई करंट की जगह में आई आर एम एस का स्क्वायर लिखोगे रजिस्टेंस की जगह में रजिस्टेंस आर और टाइम की जगह में लिखोगे कैपिटल टी फुल साइकिल की बात हो रही थी समझेगी तो ये इक्वेशन नंबर टू कहलाएगा और सिंस ये भी हीट प्रोड्यूस इन वन साइकिल है और ये भी हीट प्रोड्यूस इन वन साइकिल है दोनों तो एक साइकिल का ही हीट ही ही है बस अलग अलग फॉर्म में लिखा है हमने तो दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि ये अगर हीट है एक साइकिल का ये भी एक हीट है एक ही, 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 ही साइकिल का तो दोनों को बराबर रख देंगे हम अब यहाँ पर देखो तो जगह है नहीं अगर मैं यहाँ पर करने गया तो कंजस्टेड हो जाएगा मैं नेक्स्ट मतलब इसको मिटा के फिर से जो लिखने वालों की ये कि इन दोनों को हम बराबर अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम दोनों को बराबर कर देंगे उसको लिखेंगे पहले आई effective का स्क्वायर क्या लिख रहे हैं हम आई इक्टिव का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी हीट इज इक्वल टू ये वाला हीट आई नोट का स्क्वायर आर इंटू में साइन स्क्वा टी डी टी के साथ इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक अब देखो आर से आर गया हमको आई effective निकालना था तो आई effective का स्क्वायर है यहाँ पे है ना इंटू में टाइम टी है उसको ऐसे रहने देते हैं बाद में भेज के निकाल लेंगे अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भेजो को तो आई नोट का स्क्वायर आई नोट का स्क्वायर अभी साइन स्क्वायर ओमेगा का ना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने अभी तक सीखा नहीं होगा बारहवीं तक में होता भी नहीं है इसलिए तो मैं बारहवीं तक का सिलेबेशन कुछ नहीं है ऐसा कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आपको इसको बदलना पड़ेगा भाई साहब अब देखो डेरिवेशन है थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन तो है कह सकते हैं बस घबराना मत अगर मैथ वाले तो अब तो मज़ा आना चाहिए आपको ही अगर आपने इंटीग्रल पढ़ लिया है तो देखो मैथ वालों के लिए कह रहा हूँ बेसिक मैथ है और बायोलॉजी वाले घबराओ मत मैंने बोला ना जितना डेरिवेशन हमने बोला ना जितना डेरिवेशन में आएगा उतना मैथ आपको बगल में पढ़ा दूंगा और ऐसे एक चीज नहीं हो तो आपको समझ नहीं आएगा इसलिए देखते रहो समझते रहो मजा आएगा तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने पढ़ रखा है बचपन में कॉस टू थीटा का फॉर्मूला शायद इलेवंथ क्लास में पढ़ाया जाता है तो कॉस टू थीटा का जो फॉमूला होता है वो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ऐसा करके अब इस माइनस वन को मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा था तो थीटा को बाद में ओमेगाटी मान लेंगे तो ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस का होगा कॉस टू ओमेगा सॉरी टू थीटा प्लस में वन इजकल टू टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमको तो सिर्फ साइन स्क्वायर फीट अच्छी तो टू को भगा देंगे यहाँ से टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा अब बस थीटा की जगह में रिप्लेस कर दो आप ओमेगाटी है ना क्योंकि थीटा की वैल्यू होती है ओमेगाटी तो अब जो लिखूंगा मैं यहाँ पे देखो जहाँ कहीं थीटा लिखा हुआ उसको ओमेगाटी लिख दूंगा तो कॉस का कॉस टू का टू थीटा की जगह में ओमेगा टी प्लस का वन अपॉन में टू इज टू साइन का साइन कि जहां कहीं साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा होगा स्क्वायर ओमेगा टी लिखा होगा जैसे यहां लिखा है तो उसको हटा के मैं ये पूरा लिख सकता हूँ और इसका इंटीग्रेशन हो सकता है तो भाई क्या करो नहीं मैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा यार देखो मानता हूं कि ये डेरिवेशन आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है वो भी खास करके ऑनलाइन में बच्चों को ऑफलाइन समझाने मुझे दो तीन बार बताना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है समझते रहो देखो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा अपने आप को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात होती है खुद को कंट्रोल करना खुद को बिठा के रखना खुद को पढ़ाते रहना खुद को बोलते रहना कि नहीं हार नहीं माननी करना है मुझे पता है कि नींद आ रही होती यार है यार कई बार ऑनलाइन क्लासेस तो नींद आ रहा है फिर भी जग के उठ के गए पानी पिका के सू सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा भाई उन्हें कोई एक्सक्यूज नहीं टाइम बीत गया तब तो रोना धोना हो जाएगा और कुछ नहीं इसलिए देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई साहब देखो तो साइन स्क्वायर ओमगा टी की जगह में ये पूरा पुट करेंगे हम यहाँ पे कॉस टू ओमेगा टी प्लस का वन और ये जो टू आएगा वो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लो पहले और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी टी के साथ अब इंटीग्रेशन दोनों चीज का होगा इसका भी और वन का भी तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूँ आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटो में टी था इस साइड जिसको हमने अभी यही रखा था आई नोट का स्क्वायर था और डिवाइड में टू आया था राइट यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है जैसे साइन का इंटीग्रेशन आपने लास्ट वीडियो से देखा होगा हमारा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको माइनस का कॉस और फिर ओमेगा डिवाइड में जा रहा था है ना वैसे ही कॉस का जो है वो प्लस का साइन होता है कॉस का इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन करते समय सांप और डीटी हट जाता है अपने आप तो कॉस ओमेगा टी तो सॉरी कॉस ओमेगा टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा कॉस थीट का इंटीग्रेशन साइन थीटा थीटा की जगह हम क्या लिखोगे ओमेगा टी लिख दिया ऐसे करके एंड देन मैंने कहा था टी से पहले जो भी चीज हो वो डिवाइड में आ जाती है यानी कि टू ओमेगा जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा फिर प्लस वन का भी इंटीग्रेशन तो वो वन का इंटीग्रेशन डी के साथ करोगे मैंने बताया था ना कि सिर्फ डी का इंटीग्रेशन हो गया ना से के टी तक तो तो सिर्फ टी उठ के आ जाता तो सिंपली वन का इंटीग्रेशन जो आता है वो गाँव वालों टी आ जाता है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता तो अभी फिलहाल के लिए तो याद कर लो क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर मैं सब कुछ बताने की बेसिक बेसिक चीजें तो अरे है क्या वन का इंटीग्रेशन टी और साइन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया खत्म अब कहां से से तक तक था जीरो से टी तो लिमिट लगा दो से हमने बोला कि भैया जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता था यू एल माइनस एल एल करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो का आई इफेक्टिव लिख रहा हूं मैं यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर टी का टी इज टू सब कुछ सेम आई नोट का स्क्वायर का स्क्वायर टू का टू अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा दोनों चीजें कैसे करेंगे देखो यहां पे लिखेंगे साइन का साइन एक साइन का साइन टू का टू और ओमेगा की वैल्यू सबको पता है खोलते हैं लास्ट वीडियो के दो डेरिवेशन देख लेना आप इजली याद हो जाएगा ये टू पाई बाई टी है ना ओमेगा का फॉर्मूला होता है टू पाई बाई टी इंटू में स्मॉल टी मतलब एक बार हटा के ऊपर वाला एक बार हटा के नीचे वाला तो दो बार करेंगे इसका दो बार करेंगे इसका अभी चलेगा तो इसको हटा के लिखेंगे टी राइट और अपॉन में टू ओमेगा तो है ही फिर अपर लिमिट हो गया बीच में डालो माइनस अपर लिमिट के बाद माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या है टी को हटा के जीरो तो जीरो इंटू में टू ओमेगा जीरो तो साइन जीरो हो जाएगा साइन जीरो में टू ओमेगा तो होगा ही होगा तो ये हो गया इस वाले का सिर्फ इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया हमने पहले फिर टी का करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी का आगे बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया अपर लिमिट मतलब और टी को हटा के एक बार नीचे वाला लिख दो माइनस करके हो गया, अब इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ निपट गया देखो अब यहीं पर ध्यान से देखो तो टी से टी कट जाएगा और साइन फोर पाई हो जाएगा साइन का इवन इंटीग्रल जो होता है पाई का जैसे साइन साइन जीरो जीरो होता है साइन टू पाई जीरो होता है साइन फोर पाई जीरो साइन सिक्स पाई जीरो मतलब इवन जीरो टू जीरो टू फोर सिक्स फाइव चलता रहेगा तो वो जीरो होता है तो साइन फोर पाई जीरो हो जाएगा तो जीरो पॉइंट में समथिंग तो जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है तो ये पूरा ही टर्म जीरो बन जाएगा तो आप यहाँ पे लिख देना अगर आपको याद ना हो तो कि साइंस सिंस साइन सिंस लिख देना ऐसा करके सिंस साइन मैं लिख देता हूँ जीरो साइन टू पाई साइन फोर पाई एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये सब के सब क्या हो जाते हैं इजकल टू जीरो आ जाते हैं समझ गए तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो बचेगा क्या सिर्फ टी माइनस जीरो टी तो यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा और ये बचेगा खत्म इतना छोटा हो जाता है तुरंत ही तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटो में टी इजक्ल टू इस साइड क्या बचा था आई नोट बाई टू मतलब आई नोट का स्क्वायर अपॉन में टू और इस पूरे में से क्या बचेगा सिर्फ टी बाकी सब तो जीरो हो लेगा लिखेंगे ही नहीं उसको लिख के नहीं दिखाना होता है ये समझ जाता है बंदा कि जीरो है ये वैल्यू लिख देना बस अब ये टी से टी गया तो जो आई इफेक्टिव का स्क्वायर था गांव वालों वो बना अपने पास आई नोट बाई टू आई इफेक्टिव निकालना था ना स्क्वायर है अभी तक तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा रूट अब जैसे ही रूट लगेगा तो देखो आई नोट का तो स्क्वायर है तो आई नोट तो भैया चुपचाप रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट किसका फंस जाएगा टू का तो आई नोट बाई रूट टू ये रहा अपने पास डायरिवेशन निकल गया तो आई इफेक्टिव इजिकल टू निकलता है आई नोट अपॉन में रूट टू यही हमारा डेरिवेशन था जिसमें हमें फाइनल फॉर्मुला भी यही निकालना था मैंने अभी नोटिस किया कि मैं आई इफेक्टिव इफेटिव मूव कर गया कहा आई आर एम एस का डायरिवेशन चलाते कुछ नहीं होता एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है मैं आई आर एम एस आई इफेक्टिव दोनों का डेरिवेशन जो है नीचे लिख के दे दूंगा आपको कुछ भी फर्क नहीं है कुछ भी फर्क नहीं है आई इफेक्टिव और आई आर एम एस के डेरिवेशन में बस इतना कि यहाँ पे आई आर एम एस लिख रहा होता मैं अगर मैं आर एम एस का डेरिवेशन बोले तो आई आर एम एस आई आर एम एस बोलता रहूंगा और आई इफेक्टिव बोले तो एग्जैक्ट सब कुछ सेम एग्जैक्ट स्केम कॉपी पेस्ट और बस आई आर एम एस आता रहेगा आई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस आई आर एम एस और आई इफेक्टिव बोलो तो आई इफेक्टिव आई इफेक्टिव आई इफेक्टिव तो ये दोनों चीज़ सेम ही होती है मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके एक बार चेक कर लेना रीड कर लेना और वहीं से लिख भी लेना एक है, है ना अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है देखो मेहनत तो, तो करनी पड़ेगी भैया बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला अगर बिना मेहनत के मिलता ना तो भाई साहब कोई मेहनत ही नहीं करता घर बैठ के सिर्फ चाह लेते कि मेरे को ये चाहिए और सोन पर ही सखा लिखा बूम भूम की पेंसिल गई ही होती नहीं है असली तो में कुछ ऐसा तो चलो ऐसे करके पढ़ते रहना सिलेबस कवर करते रहना ये अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो और जितने मेन मेन फॉमले जैसे आई एवरेज का फॉर्मूला हाफ साइकिल में क्या था टू आई नोट बाई पाई फुल साइकिल में क्या था जीरो आई इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है ये सारे फॉर्मले मेन मेन फॉमले याद करते चल रहे हैं कि इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स आएंगे और चैप्टर सेवन के न्यूमेरिकल्स अच्छे होते हैं करो अगर पता है एक बार करना आ गया ना फिर मज़ा आता है मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर सेवन के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में देखता रहा एक बार चेक कर लिया करना क्वेश्चन मिल गया तो सॉल्व कर लिया चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल का सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ाओ कब बढ़ाओ